Hi, I am Aya. Subscribe Aya Cartoons for more videos. एक बार की बात है, एक आरामदायक छोटे से शहर में जैक्सन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। क्रिसमस बस आने ही वाला था और जैक्सन अपने उत्साह पर काबू नहीं रख सका। शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ था और हवा जिंजर ब्रेड कुकीज की मीठी खुशबू से भर गई थी। जैक्सन का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उन्हें हमेशा साधारण चीजों में खुशी मिलती थी। इस वर्ष जैक्सन की एक विशेष इच्छा थी, वह एक चमकदार नई खिलौना ट्रेन चाहता था। हर रात वह टिमटिमाते सितारों को देखता और जादुई क्रिसमस सुबह के सपने देखता। एक दिन जब जैक्सन शहर के चौराहे से गुजर रहा था, उसने बच्चों के एक समूह को एक छोटे कांपते हुए बिल्ली के बच्चे के चारों ओर इकट्ठा होते देखा। यह स्पष्ट था कि बेचारी बिल्ली का बच्चा खो गया था और अकेला था। जैक्सन का दिल पिघल गया और वह जानता था कि उसे मदद करनी होगी। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जैक्सन बच्चों के पास आया और धीरे से बिल्ली के बच्चे को उठाया। उसने आसपास पूछा, इसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि यह कहां से आया है। जैक्सन ने बिल्ली के छोटे बच्चे को घर ले जाने और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने का फैसला किया। जैसे ही क्रिसमस की पूर्व संध्या आई, जैक्सन को एहसास हुआ कि इस साल टॉय ट्रेन का उनका सपना सच नहीं हो सकता है। दुखी होने के बजाय उसने अपनी गोद में लिपटे बिल्ली के बच्चे को देखा और एक अलग तरह की खुशी महसूस की, दूसरों को देने और उनकी देखभाल करने की खुशी। क्रिसमस की सुबह जब जैक्सन उठा, तो उसे अपने बिस्तर के पास एक छोटी हस्तनिर्मित खिलौना ट्रेन मिली। उनके माता पिता ने अपने दयालु बेटे के लिए सही उपहार बनाने के लिए देर रात तक काम किया था। नई टॉय ट्रेन को गले लगाते ही जैक्सन की आंखें खुशी से चमक उठी और अपने माता पिता को धन्यवाद दिया। उस क्रिसमस ने जैक्सन को एक मूल्यवान सबक सिखाया, मौसम की सच्ची भावना दया, करुणा और देने की खुशी में निहित है। जैक्सन ने सीखा कि सबसे जादुई उपहार हमेशा चमकदार कागज में लपेट कर नहीं आते, कभी कभी वे हृदय की गर्माहट से आते हैं। और इसलिए उस छोटे से शहर में जहां बर्फ के टुकड़े नाचते थे और हंसी गूंजती थी, जैक्सन और उसके परिवार ने प्यार, उदारता और एक आभारी बिल्ली के बच्चे की मीठी गड़गड़ाहट से भरा क्रिसमस मनाया और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे।